नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। हेल्थ के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किचन में कई ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनका यूज़ करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। ये चीज़ें ना सिर्फ खाने का स्वाद दोगुना करती देती हैं बल्कि ये हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो आज हम आपको आपके किचन में मौजूद कुछ ऐसे मसालों के बारे में बताएंगे जिनका सेवन करके आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए लौंग का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। लौंग में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। इसके साथ ही इसमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खून में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है और शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ता है। हरी इलायची का यूज करके भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और हाइपोलिपिडेमिक एलिमेंट ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। ये सभी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में इफेक्टिव होते हैं, इसलिए शुगर पेशेंट को इसे डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर पुलाव बनाया हो और इसमें तेज पत्ता ना डाला हो तो पुलाव का बेहतरीन स्वाद नहीं आता। लेकिन क्या आपको पता है कि पुलाव का स्वाद बढ़ाने वाला पुलाव ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद करता है? लेकिन क्या आपको पता है कि पुलाव का स्वाद बढ़ाने वाला तेज पत्ता ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मददगार है? इसके लिए आप तेज पत्ते का गाढ़ा बनाकर इसका सेवन करें। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। खाना डाइजेस्ट करने के अलावा सौंफ डायबिटीज़ पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है। सौंफ को आप चाय में डालकर भी पी सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एबीएनएन न्यूज़ के साथ।